फ्रेंड स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल क्रिकुलम प्रिडिक्शन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपने भारत टीम का नया सीरीज जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में पहला अंतर्राष्ट्रीय T20I मुकाबला खेला जाएगा। आप लोगों को मालूम है इससे पहले ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हो रहा था जो कि भारतीय टीम यहां पे 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। उम्मीद ये भी रहेगी दोस्तों कि यहां पे तो 3-0 से अपने नाम सीरीज कर ले, लेकिन मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं है। तो ऐसे में दोनों टीमों की क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है वीडियो में फुल डिस्कस किया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उससे पहले एक ही बात कहना चाहूंगा, देखो ये टेलीग्राम का चैनल, वीडियो की स्किप मत करो, बात सुन लो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाना, लिंक होगा, लिंक के थ्रू आप लोग यहां पे ज्वाइन हो जाए, ठीक है। बाय द वे लिंक वर्क नहीं करता है किसी रीजन से, तो Cricket2580 भी लिखकर आप लोग मुझको सर्च करके सर्चिंग से भी ज्वाइन हो सकते हो। बाकी यहां जुड़ने के आप लोगों को बेनिफिट बता देता हूं, आप लोगों को टॉस के बाद फर्दर अपडेट, फाइनल टीम और कह सकते हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी न्यूज आता है तो मैं आप लोगों को यहां पे पोस्ट कर देता हूं, तो आप लोग यहां पे जरूर आ जाना। बाकी सब्सक्राइबर देखकर प्लीज जज मत करना, ये मेरा सेकंड चैनल है, इससे पहले भी एक चैनल था जहां पे कि मेरे 1 लाख समथिंग सब्सक्राइबर हुआ करते थे, जो कि बिग बैस लीग जब चल रहा था तो कुछ स्ट्राइक इशू हो गया था ड्रीम इलेवन की तरफ से, तो उसमें डिलीट कर दिया गया था। होप आप लोग बात समझ रहे होगे, आप लोग यहां पे जरूर ज्वाइन होना दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद रहेगी आप लोग ज्वाइन होइएगा, बाकी हम लोग उतना फिर से कर लिया जाएगा। तो चलिए फाइनली हम लोग वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से बात करते हैं, 28 सितंबर को 7 बजे शाम को अपने भारत टाइम अनुसार पहला अंतर्राष्ट्रीय T20I मुकाबला खेला जाएगा। वेन्यू कहाँ पे खेला जाएगा भाई, तो ग्रीनफील्ड स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में ये मुकाबला आप लोगों को होता हुआ दिख जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे पिच रिपोर्ट मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, अमूमन तौर पे आप लोगों को मेरे वीडियो में पिच रिपोर्ट दिखता है, लेकिन यहाँ पे इस वजह से मैंने पिच रिपोर्ट नहीं लिखा है बिकॉज यहाँ पे आखिरी मुकाबला 2019 में खेला गया था, ठीक है। और जब मैं गूगल पे पिच रिपोर्ट सर्च करने गया था तो तभी का पिच रिपोर्ट दिखा रहा था, मतलब कह सकते हो आज से लगभग 4 साल पहले का पिच रिपोर्ट दिखा रहा था, तो ऐसे में वो लिखना भी समझ सकते हो वेस्ट है, मतलब उसका कुछ बनता नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाया मुझको, तो इस वजह से नहीं लिखा हूं। लेकिन यहाँ पे रिसेंट के कुछ मुकाबले खेले गए, इससे हम लोग का अंदाजा लगाएंगे कि पिच का क्या कुछ बिहेवियर हो सकता है। बाकी हेड टू हेड की बात करते हैं तो 19 मुकाबले दोनों टीमों ने एक दूसरे के विरुद्ध खेली है, साउथ अफ्रीका टीम ने 8, वही भारत टीम ने 11 मुकाबले को वोन किया और एक मुकाबला यहाँ पे नो रिजल्ट रहा है। इस ग्राउंड पे T20I इंटरनेशनल की बात करते हैं तो देखिएगा बहुत ज़्यादा मुकाबले नहीं खेले गए, मात्र 2 ही मुकाबले खेले गए। अब ऐसे में क्या हुआ है कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने भी एक ही मुकाबले को वोन किया और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने भी एक ही मुकाबले को वोन किया। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 118 रन है, हाईएस्ट स्कोर जो कि भारत टीम का 170 रन बना के 7 विकेट खोई थी अपने, और लोवेस्ट रन 67 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाई थी। स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं तो यहाँ से भी ज़्यादा कुछ नहीं निकलेगा, 150 से कम एक बार स्कोर बनाया और 170 से 190 के बीच एक बार स्कोर बना है, बाकी 150 से 170 के बीच में कभी भी स्कोर नहीं बना और 190 से ज्यादा भी कभी भी स्कोर नहीं बना, ठीक है। बाकी देखिए यहां से बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं निकला, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, अब T20 डोमेस्टिक जो यहां पे खेला जाता है घरेलू T20 मुकाबले, इसका यहां पे हम लोग रिकॉर्ड देखते हैं। तो 14 मुकाबले टोटल खेले जा चुके हैं, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 5, वहीं चेज करने वाली टीम ने 9 मुकाबले जीते हैं, मतलब कह सकते हो 4 मुकाबले ज्यादा यहां पे चेज करने वाली टीम ने जीता है। तो एक तरह से मान के आप चल सकते हो कि थोड़ा सा चेजिंग करने वाली टीम को यहां पे बेनिफिट मिल सकता है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 127 रन है, हाईएस्ट स्कोर केरला का टीम के 131 रन 7 विकेट के नुकसान पे। ये आई थिंक आप लोगों का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वगैरह जो भारत में खेली जाती है ना डोमेस्टिक रणजी वगैरह, तो उसी का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ जो 20 ओवर की क्रिकेट खेली जाती है। और यहाँ पे लोएस्ट स्कोर मणिपुर का है, 55 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाई थी। अब यहाँ पे हम लोग अगर स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं तो देखिएगा 150 से कम 8 बार स्कोर बनाए, 150 से 170 के बीच में 4 बार स्कोर बनाए, 170 से 190 के बीच में 1 बार स्कोर बनाए, वहीं 190 से भी ज्यादा यहाँ पे एक ही बार स्कोर बना है। तो ऐसे में देखिए सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग हुआ है वो हुआ है 150 से कम, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल मुकाबला है, दोनों टीमों की तरफ से अच्छे खासे खिलाड़ी हैं, तो आप लोग ऐसे में स्कोर 150 से 170 के बीच में मान के चल सकते हो। बात करते हैं दोस्तों भारत टीम की क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है, बाकी यहाँ पे सिर्फ मैंने प्लेइंग 11 लिखा है, रिसेंट परफॉर्मेंस नहीं लिखा। अब क्यों नहीं लिखा है, ऐसा नहीं कि मैं मुकाबला कवर नहीं किया हूँ दोस्तों, लेकिन लिखने का सेंस इस वजह से नहीं बनता है कि वो मुकाबला इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, हो सकता है बहुत सारे खिलाड़ी उसमें जो फॉर्म में नहीं थे यहाँ पे फॉर्म में आए होंगे, और ऐसे में तो फिर लिखने का मतलब नहीं बनता है। ऐसे में अब इस सीरीज में अगर रिसेंट मुकाबले होते हैं तो यहाँ पे रिसेंट फॉर्म मैटर करेगा, लेकिन वही बात है जैसे कि एशिया कप से पहले विराट कोहली कह सकते हैं आउट ऑफ फॉर्म थे, तो अब मैं अगर एशिया कप से पहले का अगर विराट कोहली का परफॉर्मेंस आप लोगों को एशिया कप में बताऊंगा तो फिर मतलब क्या बनता है, क्योंकि एशिया कप में तो विराट कोहली फॉर्म में आ ही गए थे। तो ऐसे में सिर्फ प्लेइंग 11 बताऊंगा, उसके बाद प्लेयर्स के ओवरऑल रिकॉर्ड बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए। बात करते हैं इंडिया की तरफ से, रोहित शर्मा जो कि यहां पे टीम
टीम के कैप्टन, इनके साथ केएल राहुल ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं, वन डाउन विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुडा इस मुकाबले में आई थिंक खेलते हुए दिख सकते हैं, बाकी ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक में से कोई एक खेलता हुआ दिख सकता है, बाकी दीपक चहर, हर्षल पटेल, यूजी चहल, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह। अगर यहाँ पे मोहम्मद शामी कोविड से ठीक हो गए होंगे तो वो भी आप लोगों को प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिख सकते हैं। साउथ अफ्रीका टीम की बात करते हैं तो इनके तरफ से रिजा हेनरिक्स के साथ क्वेंटन डीकॉक ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं, वन डाउन एडन मार्करम खेलेंगे बिकॉज रजी वंडर डूसन इस सीरीज के लिए फिट नहीं थे तो इस वजह से अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हो सकता है रैली रोसो खेले, हेनरिच क्लासन, डेविड मिलर, ड्वेन पिरोटियस, कागिसो रबाडा, तब्रेज शम्सी, एंड्रिक नोकिया, लुंगी इंगिडी, कुछ ये हो सकता है साउथ अफ्रीका टीम का पॉसिबल प्लेइंग 11। बाकी अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से मेन वीडियो स्टार्ट होती है, ठीक है, तो उससे पहले बता दूँ वीडियो को लाइक कर लेना आप लोग, क्योंकि भूल जाओगे मैं आप लोगों को बताने लगूंगा अच्छे से तो आप लोग खो जाते हैं वीडियो में, तो लाइक करना। जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, और प्लीज़ यार इस साल तक 10,000 कम से कम सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल पर जरूर आप लोग करवा देना, तो होप आप लोग से इतनी उम्मीद रहेगी तो आप लोग करवा देना। देखो बात करते हैं इंडियन टीम के तरफ से, तो रोहित शर्मा कैप्टन है, राइट हैंड बैटिंग करेंगे, 63 मुकाबले 2028 रन, 39 का बैटिंग से इनका एवरेज है, बाकी कहोगे थोड़ा सा हालिया फॉर्म इनका एवरेज है, ठीक है, लेकिन हो सकता है आप लोगों को इस सीरीज में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिख जाए बिकॉज कप्तान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेलनी चाहिए। केएल राहुल की बात करते हैं, ये भी राइट हैंड बैटिंग करेंगे, 63 मुकाबले 2028 रन, 39 का इनका, सॉरी एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो गया था, अब विराट सॉरी रोहित शर्मा का आप लोग रिकॉर्ड देख लीजिए, 138 मुकाबले में 3677 रन, 32 का बैटिंग से एवरेज है, सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल में रन इन्होंने ही बनाया, ठीक है, मैं थोड़ा सा केएल राहुल का यहां पे लिख दिया था, बाकी अब करेक्ट हो गया आप लोग देख सकते हो, बाकी राहुल का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अर्शदीप सिंह, जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट आप लोगों को बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे और स्पेशली डेथ ओवर में बहुत ही लाजवाब यॉर्कर का इस्तेमाल करते हैं, 11 मुकाबले में 14 विकेट इनके नाम है। बात करते हैं आर अश्विन की, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करके दे सकते हैं, वर्ल्ड कप के भी स्क्वाड में इनका चयन हुआ है और आई थिंक इनका आखिरी वर्ल्ड कप है, तो यहाँ से 56 मुकाबले में 66 विकेट इन्होंने निकाला है। जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, 59 मुकाबले में 70 विकेट इनके नाम है। उसके बाद दोस्तों ये बात करते हैं यहाँ से युजवेंद्र चहल की, लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 68 मुकाबले में 84 विकेट इनके नाम है, वन ऑफ द कह सकते हो ग्रेटेस्ट बॉलर और इंडिया के तरफ से T20 में सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने ही लिया है। दीपक चहर की बात करते हैं, राइट आर्म फर्स्ट बॉलिंग करेंगे, 21 मुकाबले में 26 विकेट इनके नाम है, पावर प्ले स्पेशलिस्ट इनको माना जाता है। दीपक हुडा की बात करते हैं, राइट हैंड बैटिंग करेंगे, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करके दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा बॉलिंग करेंगे नहीं, यहाँ से परफॉर्मेंस देखिए, 12 मुकाबले 293 रन, 41 से बैटिंग का एवरेज है, बॉलिंग से 4 ही पारी किए हैं और 1 विकेट इनको मिला था। दिनेश कार्तिक का रिकॉर्ड देखिए, राइट हैंड बैटिंग करेंगे, 52 मुकाबले 608 रन, 27 का बैटिंग से एवरेज है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं किंग कोहली, विराट कोहली राइट हैंड बैटिंग करेंगे, 106 मुकाबले 3595 रन, 50 का इनका एवरेज है। बात करते हैं दोस्तों यहां से मोहम्मद शमी की, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, अगर कोविड से ठीक हो गए तो आप लोगों को खेलते हुए दिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिजर्व में गए हैं स्क्वाड में वर्ल्ड कप के, तो हो सकता है इन पे थोड़ा सा ध्यान भी ना दे टीम, क्योंकि जो खिलाड़ी वर्ल्ड कप स्क्वाड में हैं आप लोग उन पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि टीम उन लोगों को ज़्यादा मौका देने की कोशिश करेगी। 17 मुकाबले में 18 विकेट इनके नाम है ओवरऑल T20 में, बाकी ऋषभ पंत लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, 59 मुकाबले 934 रन, बैटिंग से 23 का एवरेज है। अक्षर पटेल जो कि कह सकते हो दोस्तों पिछला सीरीज जो कि 3 मुकाबले में आई थिंक 9 विकेट निकाल के आ रहे हैं, बहुत ही लाजवाब इनका सीरीज गया था, 8 विकेट या 9 विकेट आई थिंक निकाले थे जहां तक मुझको याद आ रहा है, लेकिन बहुत ही लाजवाब इनका विकेट सॉरी सीरीज गया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और कह सकते हो बहुत ही अच्छे फॉर्म में, तो ये इनका रिकॉर्ड देखिए, 28 मुकाबले 153 रन, बैटिंग से 17 का एवरेज है। वहीं मैं बॉलिंग से बताऊं दोस्तों तो देखिएगा 28 पारी में 29 विकेट भी इनके नाम है। हर्षल पटेल की बात करते हैं, इनको कह सकते हो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बोला जाता है, स्लोअर वन अच्छी खासी फेंकते हैं, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अच्छा था नहीं, इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा रह रही थी, लगभग 10-11 की इकॉनमी से इनको मार पड़ रही थी। अगर बात किया जाए इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते 19 पारी में 23 विकेट इनके नाम है। सूर्य कुमार यादव पिछला मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था 50+ की पारी खेले थे, राइट हैंड बैटिंग करते हैं, 30 मुकाबले 857 रन, 35 का बैटिंग से इनका एवरेज है। होप दोस्तों इंडिया के ओवरऑल सारे खिलाड़ियों को आप लोगों को रिकॉर्ड समझ में आया। अब चलते हैं जो कि दूसरी अपनी मेहमान टीम है साउथ अफ्रीका टीम, इनकी क्या कुछ यहां से प्लेयर्स रिकॉर्ड रखते हैं। टिम्बा बमुमा टीम के कैप्टन है, राइट हैंड बैटिंग करेंगे, 25 मुकाबले 562 रन, 26 का बैटिंग से इनका एवरेज है।
उसके बाद बात करते हैं यहाँ से क्विंटन डीकॉक लेफ्ट हैंड बैटिंग करेंगे, 69 मुकाबले 1894 रन 31 का बैटिंग से इनका एवरेज है। बाकी बैजुन फॉर्चून की बात करते हैं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करेंगे, 13 मुकाबले में 14 विकेट इनके नाम है। रीजा हैनरिक जो हो सकता है आप लोगों को ओपनिंग करते हुए दिखे, राइट हैंड बैटिंग करते हैं, 48 मुकाबले 1372 रन बैटिंग से 29 का एवरेज है। मार्को जैनसन की बात करते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, 1 पारी में 1 विकेट इनके नाम है। बाकी टी ट्वेंटी का रिकॉर्ड बताऊं तो 22 मुकाबले में 17 विकेट इनके नाम है। हैनरिक कलासन राइट हैंड बैटिंग करते हैं, विकेट कीपिंग आई थिंक डिकॉक ही करेंगे। और रिकॉर्ड की बात की जाए तो 36 मुकाबले 651 रन बैटिंग से 25 का एवरेज है। उसके बाद बात करते हैं केशव महाराज, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करेंगे, 18 मुकाबले में 15 विकेट इनके नाम है। एडम मार्करम की बात करते हैं, राइट हैंड बैटिंग करेंगे, 23 मुकाबले 722 रन और यहां से देख सकते हो 42 का दोस्तों इनका बैटिंग एवरेज है और आई थिंक आईसीसी रैंकिंग नंबर 2 है इनकी टी ट्वेंटी में। डेविड मिलर की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, 104 मुकाबले 1944 रन 32 का इनका एवरेज है और अभी सीपीएल इनका बहुत ही लाजवाब जा रहा था, बीच सीपीएल में से ये आ गए थे, कह सकते हो इनकी टीम अब मतलब क्वालिफाई वगैरह कर गई थी तो ये वापस आ गए थे। लुंगेंगड़ी की बात करते हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 30 मुकाबले में 49 विकेट इनके नाम है। बाकी एंड्रुक नोकिया राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करेंगे, 22 मुकाबले में 23 विकेट इनके नाम है। वार्न पैरनल की बात करते हैं, ये आप लोगों के एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, 45 मुकाबले में ओवरऑल 50 विकेट इनके नाम है। एंड्रिक फ्लेकवायू लेफ्ट हैंड बैटिंग करेंगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करेंगे, 38 पारी 149 रन बैटिंग से मात्र 9 ही का एवरेज है लेकिन बॉलिंग से 35 पारी में दोस्तों 45 विकेट इनके नाम है। ड्वेन पिटोरियस की बात करते हैं, राइट हैंड बैटिंग करेंगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करके दे सकते हैं, 29 मुकाबले 261 रन बैटिंग से 21 का एवरेज है, बॉलिंग से 26 पारी में 32 विकेट इनके नाम है। बाकी आई थिंक जहां तक मुझको याद आ रहा है अभी जून या जुलाई में जब साउथ अफ्रीका टीम इंडिया में आई थी तो ये वन डाउन तक खेल रहे थे। कगिसोर अबाडा की बात करते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करेंगे, 40 मुकाबले 52 विकेट इनके नाम है। यहाँ से रेलू रेसो की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, 18 मुकाबले 458 रन 35 का इनका एवरेज है। आई थिंक 10 सालों से ये खेल रहे हैं लेकिन इनको मौका बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था तब जब हासी मामला एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी खेलते थे। तो बाकी तबरेज शमसी की बात करते हैं, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन बॉलिंग करते हैं, 56 मुकाबले 56 विकेट इनके नाम है। उसके बाद यहाँ से ट्रिस्टन स्ट्रप्स की बात करते हैं, राइट हैंड बैटिंग करते हैं तो देखिएगा 6 मुकाबले 119 रन 39 का बैटिंग से इनका एवरेज है। होप दोस्तों आप लोगों को खिलाड़ी के ओवरऑल सारे रिकॉर्ड समझ में आए हो, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर जो मैंने आप लोगों को प्लेइंग 11 में बताया अगर वो कोई खिलाड़ी नहीं खेलता है तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं क्योंकि जो जितने खिलाड़ी स्क्वाड में मैंने आप लोगों को ओवरऑल सबका रिकॉर्ड बता दिया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जो लोग चैनल पर नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना। चलते हैं ड्रीम 11 पर और देखते हैं इस मुकाबले से रिलेटेड हमारी क्या कुछ टीम बनकर रेडी हो रही है। अब दोस्तों यहाँ से विकेट कीपर ऑप्शन से बात करूँ उससे पहले बता दूँ वीडियो देखकर आप लोग आ रहे हो तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि देखो टीम कॉपी पेस्ट करने से आप लोग कभी सीखोगे नहीं फैंटेसी में। मैं जीतूंगा तो आप भी जीत सकते हो, मैं हारूंगा तो आप भी हारोगे, ठीक है? तो आप लोग अपनी नॉलेज से खुद की स्किल्स पे टीम बनाओ, मुझसे भी बेहतर बना सकते हो। बात करते हैं विकेट कीपर ऑप्शन से तो आप लोगों को सबसे सेफ में क्विंटन डीकॉक दिखेंगे बिकॉज ये ओपनिंग करना आएंगे। बाकी हैनरिक कलासन और दिनेश कार्तिक या ऋषभ पंत कोई भी खेलेगा तो आप लोगों को 5 नंबर तक बैटिंग करके दे सकता है तो ओपन करने आएंगे डीकॉक और सीवीसी के भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन रहने वाले तो इन फिलहाल के लिए सबसे सेफ में क्विंटन डीकॉक मिल रहे हैं। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन से तो उससे पहले आप लोगों को बता दूं देखिए ये काफी हद तक मुकाबला टॉस पे भी निर्भर रहने वाला है क्योंकि टॉस के अकॉर्डिंग अपने टीम में प्लेयर्स मुझको रखना है। देखिए फिलहाल के लिए सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, विराट कोहली और डेविड मिलर को टीम में लिया है लेकिन अगर इंडिया की टीम फर्स्ट बैटिंग करती तो हो सकता है मिलर के प्लेस पे मैं केएल राहुल को अभी अपने टीम में ट्राई कर सकता हूं और इंडिया की टीम अगर सेकंड बैटिंग करेगी तो हो सकता है सूर्य कुमार यादव को भी छोड़ के मैं केएल राहुल को ट्राई कर सकता हूं। तो ऐसे में काफी हद तक ये मुकाबला टॉस पे निर्भर रहने वाला है। बाकी रीजा हैनरिक्स का यहां से ऑप्शन है, थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहो तो रैली रोसू को अपने टीम में ट्राई करके चल सकते हो। बाकी टिम्बा बमुआ टीम के कैप्टन है तो आप ग्रैंड लीग में इनको अपना सीवीसी भी बना सकते हो, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेलने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन, अक्षर पटेल फॉर्म वाइज बहुत ही लाजवाब पीक है, इनको रखना ही है। एडम मार्करम आईसीसी रैंकिंग नंबर 2 आई थिंक तो इनको भी रखना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटिंग के साथ साथ आप लोगों को कुछ पार्ट टाइम बॉलिंग से भी बैकअप करके दे ही सकते हैं। बाकी ड्वेन पिटोरियस को मैंने अपनी टीम में यहाँ पे शामिल किया। बाकी और कोई सेफ में दिख नहीं रहा, अश्विन के खेलने पर थोड़ा डाउट है, बाकी दीपक हुडा के भी खेलने पर डाउट है, 50-50 चांस है और खेलेंगे भी तो एज अ बैट्समैन ही खेलेंगे, मुझको नहीं लगता कि बॉलिंग करके देने वाले हैं। बाकी बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन से तो कगिसोर अबाडा, जसप्रीत बुमराह और नीचे से मैंने लुंगेंगिडी को टीम में ट्राई किया है। अभी हालिया कह सकते हो जब परफॉर्मेंस इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला हो रहा था तो काफ़ी अच्छा था लेकिन मैं कहता हूं कि देखो रिसेंट परफॉर्मेंस मैटर करता है लेकिन जिस सीरीज में मुकाबला खेला जाता है उस सीरीज के
अकॉर्डिंग देखना चाहिए। अब 4 महीना पहले 5 महीना पहले वाला रिसेंट परफॉर्मेंस हर बार मैटर नहीं करता, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा है टॉस पे काफी हद तक मुकाबला निर्भर करेगा, तो अगर इंडिया की टीम फर्स्ट बॉल करेगी तो हो सकता है मैं यहाँ से लुंगियांगिड़ी को ड्रॉप करके हर्षल पटेल या तो फिर अर्षदीप सिंह खेलेंगे तो अपनी टीम में इन लोगों में से किसी एक को ट्राई कर सकता हूँ, बिकॉज ये डेथ में बॉलिंग करेंगे। और वहीं अगर साउथ अफ्रीका की टीम फर्स्ट बॉल करेगी तो हो सकता है बुमराह को भी ड्रॉप करके रिक्स लूंगा, और रबाडा नोकिया और यहाँ से इंगिडी खेलेंगे तो इन तीन को मैं अपनी टीम में यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ, बिकॉज ये डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि टॉस पर यह निर्भर करने वाला है गेम। तो फिलहाल कुछ इस तरह की मेरी टीम बनकर रेडी हो रही है, जहां पे कैप्टेंसी के तौर पे देखो मैं एडम मार्करम के साथ गया, जो कि हो सकता है या तो 1 डाउन या तो 2 डाउन खेले, प्लस आप लोगों को 2 ओवर कम से कम बॉलिंग करके दे सकते हैं, ठीक है। वाइस कैप्टेंसी के तौर पे यहां से देखो सेफ में ऑप्शन की बात किया जाए तो विराट कोहली, जो कि आखिरी जो मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला गया था 50+ की पारी खेल कर आ रहे थे। बाकी यहां से सूर्य कुमार यादव ने भी बहुत बेहतरीन पारी खेली, तो आप दोनों में से किसी को बना सकते हो, और यहां से आप लोग क्विंटन डिकॉक को भी बना सकते हो, बिल्कुल सेफ में रहने वाले हैं, बिकॉज ये आप लोगों को विकेट कीपरिंग से भी कुछ बैकअप करके दे सकते हैं, ठीक है। बाकी और जिसकी टीम यहाँ पे फर्स्ट बॉलिंग करे आप उसके डेथ के भी बॉलर को बना सकते हो। फिलहाल के लिए सेफ जाते हुए मैंने ड्वेन पिटोरियस को बनाया है, या तो फिर आप अक्षर पटेल को, चलो मैं अक्षर पटेल को ही बना देता हूँ। लेकिन अक्षर पटेल एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हैं, बैटिंग से देखो तीनों मुकाबले में इनकी बैटिंग भी नहीं आई थी और थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं कर पाते हैं बैटिंग से, तो थोड़ा सा बैटिंग के फेवर में जाना है तो पिटोरियस को आप लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कुछ इस तरह की मेरी टीम बनकर रेडी हो रही है, लेकिन बताता चलो ये फाइनल टीम है ना, आप लोगों को काफी ज्यादा चेंजेस होता हुआ दिख जाएगा। एडम मार्करम कैप्टन, वाइस कैप्टन ड्वेन पिटोरियस। अब टॉस पे जैसे मैंने कहा है किस तरह से यहां पे टीम निर्भर रहने वाली है। बाकी टॉस के लिए आप लोग टेलीग्राम पे आ जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक होगा, लिंक के थ्रू आ सकते हो। बाय द वे किसी रीजन से लिंक वर्क नहीं करता है तो Cricket2580 भी लिखकर सर्च करके आ सकते हो, और सब्सक्राइबर देखकर प्लीज जज मत करना, ये आपके आते आते घट बढ़ भी सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग इसके भरोसे मत आना। बाकी 6 सालों से मैं खुद भी ड्रीम इलेवन खेलता हूं, तो आप लोग मेरी टीम से 3-4 मुकाबले खेल कर देखो, कंटिन्यू करो, अच्छा लगेगा तो आप लोग खेलना, नहीं तो बिल्कुल स्किप करके जा सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल यूट्यूब, बाकी टेलीग्राम पे आना चाहो तो बिल्कुल आ सकते हो, ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ वगैरह मैं वहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ, और यहाँ पे देखो आने का मोटिव ये नहीं कहूंगा कि आप लोग आओ मेरी टीम कॉपी पेस्ट करो, आप लोगों को मैं अच्छे से गाइडेंस करूंगा और उस के मतलब गाइडेंस पे आप लोग खुद से बेहतर टीम बना सकते हैं, क्योंकि हर मुकाबले के बाद मैं एक वॉइस मैसेज भेजता हूँ, जो लोग यहाँ पे जुड़े होंगे वो जानते होंगे, ठीक है। बाकी होप आप लोग भी आ जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।